पूरा उत्तर प्रदेश अफवाह की आग में जल रहा है। अलग अलग जगहों पर सीए के विरोध में लोग सड़कों पर उतर गए हैं, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, तो पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। बिजनौर में अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कानपुर, संभल और फिरोजाबाद में एक एक मौत की प्रशासन ने पुष्टि की है। अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 6 लोगों की मौत की पुष्टि सरकार ने की है। कानपुर में 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है, तो हमीरपुर और मुजफ्फरनगर समेत कई जगहों पर भी उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। वहीं सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की नजर है। यूपी के 20 जिलों में एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आज इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और आज हम पूछेंगे कि आखिर ये बवाल क्यों, क्योंकि सवाल करो बवाल नहीं। एक रिपोर्ट आपको दिखा देंगे। शायद ही आपने पहले कभी प्रदर्शन के नाम पर उत्पाद का ऐसा मंजर देखा। ये कानून के खिलाफ लोगों का आक्रोश है या फिर प्रशासन की नाकामी। जुमे की नमाज इबादत का दिन, लेकिन दोपहर बाद बवाल शुरू हो गया। क्या गोरखपुर और क्या हापुड़, हर तरफ सड़कों पर कुछ था तो पत्थर, उपद्रवी और आंसू गैस के गोले। लखनऊ में सरकार रणनीति बना रही थी, तो सूबे के अलग अलग शहरों में हिंसा अपने चरम पर थी। ये हालात तब बने जब पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू है। एहतियातन प्रशासन ने कई जिलों में इंटरनेट पर भी रोक लगा रखी है। बावजूद कई जगहों पर उपद्रवी बेकाबू नजर आए। हालात बिगड़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर हुए बवाल को गलत बताया, तो वहीं कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी भरोसा दिलाया कि सीएए से किसी की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। अपने पार्टी के लोगों से यही अपील है कि बीएसपी जो एक अनुशासित पार्टी है, जो इसका अपना कल्चर रहा है, उसको ध्यान में रखकर यदि उनको विरोध भी करना है तो हमारे दूसरे तरीके जो हम करते रहते हैं तो उसी के जरिए करें, और वो सड़कों पर उतरकर दूसरी पार्टियों के लोगों की तरह तोड़ फोड़ हिंसा आदि में के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। नागरिकता जो संशोधन एक्ट बना है, इसमें किसी की भी नागरिकता नहीं जा रही है। केवल उन लोगों को नागरिकता प्रदान की जा रही है जो धार्मिक आधार पर, जिनका शोषण किया जा रहा था, जिनका उत्पीड़न किया जा रहा था पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर, उन लोगों को यहाँ नागरिकता दी जा रही है। किसी भी मुसलमान भाई की नागरिकता कोई छीन नहीं रहा है। सीएए पर लगातार सियासत भी जारी है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन इस उत्पात में आम आदमी पिस रहा है और बार बार एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इस उत्पात और अफवाह का मास्टरमाइंड कौन है। जिस मुद्दे पर सरकार से सवाल होने चाहिए थे, उस मुद्दे को बवाल की आग में कौन तब्दील कर रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ नवल किशोर दास जी जुड़ रहे हैं, महामंडलेश्वर हैं। सीपाल सिंह साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। मुफ्ती वासिल कासमी साहब जुड़ रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ओपी मिश्रा साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। प्रशांत पाठक जी हैं, प्रवक्ता पीएसपीएल। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल ओपी मिश्रा साहब आपसे, जो कुछ भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए अजीत, आज आपने जो इस पूरे मुद्दे के और बहस की शुरुआत करी, आपने सबसे पहला लफ्ज जो इस्तेमाल किया वो है अफवाह। आपने इस पूरे चर्चा का जो विषय स्टार्ट किया अफवाह से शुरू किया, और लगातार आपके चैनल पे मैं देख रहा हूँ कि अफवाह का बाजार गर्म है। तो इस तरह की जो कानून है, जो कानून आया है इस देश में, जो कानून बना है, उसकी चर्चा न करते हुए जो कानून नहीं आया है, एनआरसी जिस जो सिर्फ चर्चा में है, अभी आया नहीं है, उसको बताया जा रहा है कि उसका विरोध किया जा रहा है। सीए के नाम पे एनआरसी का विरोध किया जा रहा है, और ये वही विपक्ष के लोग, वही लोग इसमें शामिल है जिनको ये लग रहा है कि अब देश में
जो एक शांति थी, जो जो एक सद्भाव का माहौल था, और जो भारतीय जनता पार्टी ने ने अब तक लगातार हर स्टेज पे 6 महीने के अंदर, वो चाहे कश्मीर में 370 का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, या वो 3 तलाक का मुद्दा, सब जगह शांति बने रही और देश में सद्भाव का माहौल रहा, उसी सद्भाव को बिगाड़ने के लिए, उसी सद्भाव पे इन सभी विपक्षी जो दल थे उन्होंने अपनी अपनी नजर लगाई और देश का माहौल बिगाड़ने के लिए एक अफवाह के रूप में पूरे प्रदेश में इस तरह से ऐसा जाल फैलाया। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, कल से आप कह रहे हैं अफवाह फैला जा रहा है, अफवाह फैलाने के लिए जो आपने विज्ञापन छपवाया था, कल छपवाया था, वो पहले ही छपवा देते। आपके पास आपकी सरकार है, आपके पास आपकी पुलिस है, आपके पास अपनी जांच एजेंसियां हैं, आप टीवी पर इसलिए बैठे हैं ताकि ये कह पाएं कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है? नहीं, सरकार हर वो संभव प्रयास कर रही है। एक कानून संसद में पास हुआ है, संसद में बहस हुआ है, लगातार पूरे देश ने राज्यसभा और लोकसभा में उस कानून को देखा है, समझा है, एक एक बात हमारे गृह मंत्री ने सभी विपक्ष के सभी एक बार रोक रहा हूं। इस वक्त कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कुछ बोल रहे हैं। उपेंद्र मिश्रा साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, मैं दूसरे के पास जाऊंगा। इस तरह से लगातार हमारे संसद में बहस हुआ, कानून बना और माननीय गृह मंत्री जी ने एक एक नेताओं के बात का जवाब दिया, उत्तर दिया, सभी के प्रश्नों का जवाब दिया है और बिल्कुल स्पष्ट है कि हम देश में जो ये कानून बना है वो अधिकार देने का है, लेने का नहीं, स्पष्ट। सर, आप अंदाजा नहीं लगा पाए ना, जब इस देश में किसी की नागरिकता पे कोई खतरा नहीं है, हम किसी दूसरे को दे रहे हैं, फिर विरोध क्यों? क्योंकि आप अंदाजा नहीं लगा पाए ना, आप अंदाजा नहीं लगा पाए ना, आज लोग घरों से निकल रहे हैं तो लोगों को डर लग रहा है, पता नहीं वो सुरक्षित वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, एक अलग अलग पॉकेट से, एक विशेष पॉकेट से, अब ये बात एनआरसी और सीए का नहीं रह गया है, एक विशेष समुदाय को भड़काने का काम किया जा रहा है और लगातार उसके अधिकारों को हनन, उसके अधिकारों का हनन दिखाया जा रहा है, जो बिल्कुल अफवाह है, गलत है। और मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि किसी भी अफवाह पे कोई ध्यान न दे, और अगर और सभी की पहचान की जा रही है। प्रशांत अजीत जी, एक बात बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा, जिस तरीके से भारत के गृह मंत्री का एक बयान आता है एनआरसी को लेकर के, कि अभी एनआरसी केवल पश्चिम असम के लिए नहीं है, हम पूरे देश में लागू करेंगे, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई। दूसरी आप बात करें कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था आपके पास है ही कहां, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट फेल रही, आपको पता नहीं रहा कि क्या होने वाला है। आम लोग जो प्रोटेस्टर थे उनके बीच में चंद उन्मादी घुस करके जिस तरीके से उन्होंने बवाल मचाया, जिस तरीके से सरकारी संपत्ति को हान पहुंचा रहे हैं, जिस तरीके से बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें अपना फायदा और नुकसान सोचने में लगी हुई है। आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं बोल रहा हूं कि बीजेपी अभी इन बवालों से होने वाले, इन दंगों से होने वाले अपने फायदे का आकलन करने में लगी है, ना कि प्रदेश की और देश की सुरक्षा व्यवस्था में लगी। अपने फायदे का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जिस तरीके से आपके गृह मंत्री के बयान से आग लगता है, जिस तरीके से लोगों की आप लोग अनुभवी प्रवक्ता हैं, आप जानते हैं कि एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं पहुंच पाएगी, और इस बात को आप समझिए कि सड़कों पर आप लोग नहीं जा रहे, मैं भी स्टूडियो में हूं नहीं जा रहा हूं, सड़कों पर वो मीडिया कर्मी है जो कवर करते हैं, सड़कों पर वो पुलिसकर्मी है जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, इस गंभीरता को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए लगातार, और आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उपेंद्र मिश्रा साहब क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरह से ये अफवाह का बाजार उत्तर प्रदेश से लेके अलग अलग प्रदेशों में गर्म किया गया है, जिस तरह से, और कोई भी विपक्ष का कोई भी, मैं कह रहा हूँ कोई भी नेता आके मुफ्ती वासिल कासमी साहब, क्या वाकई अफवाह है? ये अफवाह फैलाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, आपको भी लगता है ये? नहीं, मैं ये कहूंगा कि ये कोई अफवाह नहीं है और बरगलाया नहीं जा रहा है, बल्कि जो मुसलमान इस वक्त में प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ में बहुत सारे हिंदू भाई भी हैं,
ये एक बात ये है कि प्रदर्शन करना और जो धरना देना, अपनी आपत्ति जताना, ये एक हिंदुस्तान के नागरिक का मौलिक अधिकार है और हक है, इससे कोई नहीं छीन सकता। जब आप बिल ऐसा लेकर के आए, नहीं लेकिन जो कुछ हो रहा है वो भी अधिकार है क्या? आपस में मुफ्ती वासिल कासमी, जो कुछ हो रहा है वो अधिकार है क्या? जिस तरह पुलिस जो पत्थर फेंके जा रहे हैं, पेट्रोल पंप, वो अधिकार है क्या? बम फेंका जा रहा है, जिस तरह सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहा है, ये आपकी शांति की बात कर रहे हैं? आप किस शांति प्रदर्शन की बात कर रहे हैं? आपको आप किस शांति प्रदर्शन की बात कर रहे हैं? पर लाठी चार्ज नहीं दिखाई देता? जैसे किसी भी लोकतांत्रिक देश में मुफ्ती वासिल कासमी, पुलिस पर पत्थर फेंके जाएंगे, पुलिस पर पत्थर फेंके जाएंगे, पुलिस को परेशान किया जाएगा, तो फिर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ेगा। और कल जो लखनऊ में हुआ है, आज गोरखपुर में हुआ है, बिजनौर में हुआ, मेरठ में हुआ, कानपुर में हुआ है, उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचता। इतना बड़ा है, अरे आप अपनी बात अगर कर रहे हो तो मुझे निकाल दीजिए इसमें से। आप अपनी बात करेंगे, पहले मेरी बात सुनो। बात करने से क्यों डरते हैं मुफ्ती वासिल कासमी? मैं आपको बात तो करिए ना, बात रखिए ना। आप कुछ हो रहा है आप उसको सही ठहरा रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करेंगे और एक शहरी को, एक नागरिक को दूसरे दोयम दर्जे के लाइन में धकेल देंगे तो उसका बताइए। ओपी मिश्रा साहब दीजिए जवाब, वो किराए का आदमी नहीं है। जवाब दीजिए। मुसलमान हम किसी को किरायेदार नहीं मानते। ये आप अपने आप को, ये आपको कुछ आपके चंद नेतागण जो आपको किराए का बता रहे हैं, आपके कुछ चंद नेतागण है जो आपको जो आप में हीनता की भावना भर रहे हैं और जो आपको विरोध का रास्ता बता रहे हैं। कोई हिंसा नहीं, जो यहाँ बिल आया है, जो देश में कानून बना है, जब इस देश के किसी भी व्यक्ति का कोई भी अधिकार हो वो उसका हल नहीं हो रहा है तो आपको विरोध क्यों है? जो एनआरसी नहीं आया है उसका विरोध आप क्यों कर रहे हैं? जब एनआरसी आएगा उसकी चर्चा होगी, पूरे देश में चर्चा होगी। आप साथ आइए, आप उससे बात कीजिए, आप सरकार से बात कीजिएगा। लेकिन जो कानून आज आया है, जो नागरिक संशोधन आज आया है, उसमें देश के किसी भी व्यक्ति का कोई भी अधिकार नहीं हो रहा है, उसके बाद विरोध क्यों? आपको ये छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है? मतलब किसी के आपके किसी भी अधिकार का हंगल हो रहा तो आप हमें बताएं। ठीक है, एक मिनट, ओपी मिश्रा साहब, एक मिनट, ओपी मिश्रा साहब, एक मिनट, नवल किशोर जी एक मिनट आ रहा हूँ। मुफ्ती वासिल कासमी साहब इस देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं, इस देश के गृह मंत्री कह चुके हैं कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो इस देश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक रहेंगे। तो फिर क्या पाकिस्तान में रह रहे मुसलमानों की चिंता आपको हो रही है? मैं मुझे आप ये बताइए, हमारे गृह मंत्री इज्जत माब, हमारे गृह मंत्री, मैं उनकी इज्जत करता हूं क्योंकि हमारे वजीर दाखला हैं, वो हमारे गृह मंत्री हैं, लेकिन आपने उनके भाषण सुने हैं? कितनी स्पीचों में उन्होंने ये कहा कि जितने भी लोग अलग हैं, सिख हों, ईसाई हों, जैन हों और कोई भी हों, उन सबको नागरिकता दे दी जाएगी और दूसरे हमारे मुस्लिम समुदाय का, मुस्लिम समाज का नाम ही नहीं लिया। आप मुस्लिम समुदाय की बात मत कीजिए, आप ये देखिए कि जो कि हमारे तीन पड़ोसी राज्य है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये इस्लामिक देश है और यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ जो अल्पसंख्यक है वो हिंदू, पारसी, जैन, सिख और ईसाई है, उनको यहाँ की नागरिकता देने की बात चल रही है। कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है, आप गलत अफवाह फैला रहे हैं, आप बिल्कुल गलत अफवाह फैला रहे हैं। कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है, जो दूसरे हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं, जो हमारे देश के मुसलमान हैं, पूर्णतः सुरक्षित हैं। एक मिनट ओपी मिश्रा साहब, एक मिनट, नवल किशोर जी, मुझे लगता है कि आप धर्मगुरु हैं और मुफ्ती और साथ ही आपको ये भी बताएं कि मुफ्ती वासिल कासमी भी धर्मगुरु हैं। नवल किशोर जी, आप ही अगर समझा पाएं तो उनको समझाएं, शायद वो समझने के लिए तैयार नहीं है। नवल किशोर जी, मैं पूरे देश के बंधुओं को निवेदन करता हूं कि इस देश के जो नागरिक हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी होने वाली नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुफ्ती साहब से पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से कोई धार्मिक उत्पीड़न लेकर के आएगा तो कोई मुस्लिम तो नहीं आएगा, क्योंकि मुस्लिम तो वहाँ बहुसंख्यक है, उसका कोई धार्मिक उत्पीड़न तो नहीं होगा। जिनकी बेटी उठा ली जाती हैं, जिनको जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जाता है, वो व्यक्ति आ रहा है। आपको चाहिए तो आप कहते खुले दिन से कि हिंदू हमारे भाई हैं, जो हिंदू वहाँ परेशान होकर आ रहे हैं उनको नागरिकता दी जाए। किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं छुड़ाई जा रही, इसका मतलब
आपका एक उद्देश्य है हिंदुओं को विरोध करना। अभी एनआरसी लगी नहीं, सीसी लगी है। जो विदेश से लोग आ रहे हैं, इस देश की कोई बातें नहीं हुई, विदेश से जो आ रहे हैं, जो परेशान आ रहे हैं, पीड़ित आ रहे हैं, अपना घर द्वार छोड़ करके आ रहे हैं, क्या मानवता की दृष्टि से उन्हें आश्रय देना अपराध है? ये मानवीय कर्तव्य नहीं है क्या? हमें तो सुनाता कि इस्लाम बड़ा शांति का वो है, तो आपको तो उनको छाती खोल करके हाथ जोड़ करके कहना चाहिए, भाई आपको स्वागत है, हमारे अपने भाई हैं और आप विरोध कर रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग कई हमने देखा विरोध, नवल किशोर जी गलत बात है, मैं विरोध नहीं कर रहा इस बात का, इस बात पर विरोध है नहीं कि किसी हिंदू को शरण दी जाए, किसी हिंदू को नागरिकता दी जाए बाहर के। ये तो आपने कोई आपत्ति जता नहीं, जो हिंदू आ रहे हैं, जो क्या मैंने क्या मैं कह रहा हूँ कि आप सोच नहीं रहे, मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान और आपके बांग्लादेश के अलावा पूरी नागरिकता दी गई एक हिंदू हमारे भाई हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप इस बात का खंडन क्यों कर रहे हैं कि मुझे विरोध, मैं विरोध कर रहा हूँ इसका? अगर आप अपनी अपनी बात करेंगे तो ये तो ये हो जाएगा कि मारी माँ मैं जीत के आ गया, आप किसी की बात सुन तो है नहीं रहे। नहीं, किसका विरोध कर मैं तो कोई विरोध नहीं कर रहा, आप पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान के अलावा दुनिया में 257 ममालिक हैं, 257 देश हैं, 257 देशों में जहां जहां हमारे हिंदू भाई परेशान हैं, आप सबको नागरिकता दीजिए। मुफ्ती वासिल कासमी, एक दिन में सारी चीजें नहीं बदल जाती है, क्या मतलब उसके लिए वक्त लगता है? शिवपाल सिंह साहब, शिवपाल सिंह साहब, जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसको क्या आप मानते हैं? एक पुलिस अधिकारी, पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते, क्योंकि एजेंसियां भाप नहीं पाई थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है उत्तर प्रदेश में, शिवपाल सिंह साहब जी, मैं समझता हूँ कि ये जो इल्जाम तराशी है ना, इल्जाम तराशी जी, एक के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर दूसरा, मुसलमान भाई हिंदू के, हिंदू मुसलमान के खिलाफ, ये इल्जाम तराशी से बेलाग होकर ऑब्जेक्टिवली मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, जो भी इन्होंने बिल को एक्ट पास किया उससे पहले इस एक्ट का पूरी तरह सारे देश को खबर होनी चाहिए थी, क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए थी, लोगों को पता होना चाहिए था कि इसमें हम ये कर रहे हैं कि जो बाहर से माइग्रेंट प्रोसिक्यूशन माइग्रेंट आ रहे हैं, दैट इज हिंदू क्रिश्चियन सिख एट्सेट्रा, इन तीन देशों से जो आ रहे हैं उनको हम नागरिकता दे रहे हैं, और हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनकी नागरिकता को कोई शक नहीं है, कोई उसके ऊपर किसी किस्म का रोक नहीं है। ये जो है इसका प्रॉपर प्रोपेगंडा होना चाहिए था, प्रॉपर इसका लोगों को समझाना चाहिए था। दूसरी बात, शक क्यों हुआ? शक ये होता है कि आप जब तो कहते हैं कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की वजह से आप इन जातियों को जो आ रहे हैं इनको नागरिकता देना चाहते हैं, सिटीजनशिप देना चाहते हैं, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन और भी हो सकती है। अब देखिए, जो रोहिंग्याज हैं अगर वो बर्मा से आ रहे हैं और उनको रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रही है, लेकिन हम कहते हैं नो, रोहिंग्याज को हम माइग्रेंट ट्रीट नहीं करेंगे, उनको नागरिकता नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान है, तो शक पड़ गया। आप देखिए, क्रिश्चियन मेजोरिटी है, शिवपाल सिंह साहब, क्रिश्चियन, शिवपाल सिंह साहब, हमने आपको आपसे सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर पूछा था, हमने लॉ एंड ऑर्डर पर पूछा था, देश की सबसे बड़ी पंचायत में उस पर बहस हो चुकी है और एक देश की चुनी हुई सरकार ने वो फैसला लिया है। हमने लॉ एंड ऑर्डर पर आपसे सवाल पूछा था कि आज जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसको क्या नहीं समझ पाए? आपके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की बात मैं करना चाहूँ, लॉ एंड ऑर्डर की बात यह है कि सबसे पहले इतनी आपने ही बोला है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनकी खबर होनी चाहिए थी। दूसरा बात, वायलेंट प्रोटेस्ट कोई राइट नहीं है किसी का भी, बिल्कुल ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पीसफुल राइट का जैसे है, अगर आप वायलेंट प्रोटेस्ट में जाएंगे तो पुलिस को एक्शन देना ही पड़ता है, वायलेंट इज नॉट अलाउड इन योर प्रोटेस्ट, सत्याग्रह वर्ड वॉज सत्याग्रह। जल्दी से प्रशांत जी पूछ कहने, जल्दी से कह लीजिए, फिर ओपी मिश्रा साहब सत्याग्रह का मतलब मैं एक ही बात बोलिए, बहुत हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा कि वाकई में अगर सरकार की मंशा साफ है तो पहले इस बिल को लेकर के पूरी जनता के बीच में जाए, उनको समझाएं
कि आपने बेसिकली कानून क्या पास किया है, लेकिन लेकिन आप इस तरीके से अगर आप तमाशा देखेंगे, आप रोम जल रहा था बिल आने से पहले, वो हालात आप देश में पैदा मत करें। देखिए संसद में बिल आने से पहले पूरे देश में जो राजनीतिक पार्टियां थी और जो जिससे सरकार चर्चा करनी थी, उस सब चर्चा होने के बाद कौन सी कब और संसद में आया, कोई चर्चा हुआ है, कोई चर्चा संसद में आया है और संसद में चर्चा हो गया और अगर संसद में चर्चा हो गया, संसद में पास हो गया तो सभी पार्टी के दल थे। अभी आपकी पार्टी का कोई दल संसद में नहीं है, जनता का उसमें ऑब्जेक्शन। सर समय खत्म हो गया है, प्रशांत जी समय खत्म हो गया है, आप नहीं दिख रहे हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।